your superhero. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक माइक एम्पलीफायर जिसको मैंने बनाया है कोको कोला कैन की मदद से। तो सबसे पहले आपको कैन के ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करना होगा। इसके बाद कैन के नीचे वाले पार्ट पे आपको मार्कर से लाइन लगा के उसे कटर या सीजर से आपको काट लेना है। जो कैन का नीचे वाला पार्ट है उसमें मैं स्विच और माइक्रो यूएसबी सॉकेट लगाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, तो आपको कोई अच्छे से कोई अच्छा सा ब्लेड लेके उसको काटना है। आपके पास ड्रिल है तो आप ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसको आपको यहाँ लगा लेना है, स्विच को भी आपको लगा लेना है यहाँ पर ही। आप कहीं और भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो। इसके बाद हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो है एक 3 वाट 4 ओम का स्पीकर। इसके बाद हमें चाहिए एक 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी। ये कैपेसिटर जैसे दिख रही है दोस्तों, बट कैपेसिटर नहीं है। इसके बाद हमें चाहिए हमारा मेन कंपोनेंट ऑडियो बोर्ड। इसका जो आपको ये वाली साइड दिख रही है इसमें जो L और R लिखा हुआ है, अगर आप L चैनल में ऑडियो इनपुट देते हैं तो आपको L चैनल से ही आउटपुट मिलेगा, आप राइट चैनल में नहीं जा सकते। और अगर आर से देते हैं तो आपको राइट चैनल से आउटपुट मिलेगा, आप फिर लेफ्ट चैनल में आप स्पीकर नहीं लगा सकते। और इसके बाद हमें चाहिए एक 3.7 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग बोर्ड। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके साथ हमें चाहिए एक माइक्रो यूएसबी सॉकेट, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके बाद हमें जो अगला हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा एक स्विच, ताकि हम स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकें। और इसके बाद जो हमें चाहिए एक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। इसके बाद हमें चाहिए एक कंडेंसर माइक, ये आप एयरफोन से भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस। और ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर की नेगेटिव वाली साइड को आपको जहाँ पे आपका ऑडियो इनपुट का आर है वहाँ पे सोल्ड कर लेना है, आर या एल में। और इसके बाद आपको 1.5 किलो ओम के रेजिस्टेंस को 5V या जहाँ पे आपकी पॉजिटिव वायर लगेगी वहाँ पे सोल्ड करके इनके दोनों एंड्स को सोल्ड कर लेना है एक साथ। इसके बाद मैं चार्जिंग बोर्ड को मैं बैटरी पे ही चिपकाने वाला हूँ डबल टेप की मदद से। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जहाँ पे आपका B- लिखा है वहाँ पे आपको बैटरी की माइनस वाले लेग को सोल्ड करना है। और जहाँ पे B+ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड को सोल्ड कर लेना है। तो अब मैंने इसमें माइक्रो USB सॉकेट भी कनेक्ट कर लिया है। जहाँ पे आपका आउट प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने एक स्विच, और जहाँ पे आपका आउट माइनस लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने एक वायर भी कनेक्ट कर लिया है। तो आपको आपका जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे आपको ऑडियो बोर्ड के 5V जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ कनेक्ट करना है, और आपके नेगेटिव वाले वायर को आपको जहाँ पे GND लिखा है वहाँ कनेक्ट करना है। तो चलिए अब स्पीकर की ओर आते हैं कि स्पीकर को अंदर कैसे चिपकाया जाए। तो अगर मैंने इसके अंदर हॉट ग्लू लगाई तो वो स्पीकर के अंदर जाके स्पीकर को ख़राब भी कर सकती है। तो इसका एक सलूशन है कि आप एक कार्डबोर्ड का पीस लीजिए पतला सा, उसको मैं जो इसका मैग्नेट है उस पर मैं लपेट दूंगा लपेट के, और इस पर आपको टेप लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा स्पीकर बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए आप इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है इसमें। तो अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे, आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है ग्लू लगाने में, ताकि आपका स्पीकर कभी हिले ना। अगर आपका स्पीकर हिलता है तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। तो आपको अच्छे से ग्लू लगा लेना है। अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो आपका स्पीकर का वायर है उसे आपको जहाँ पे आपका आर का आउटपुट मिलेगा वहाँ पे आपको लगा लेना है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव वायर और नेगेटिव पे नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लेना है आपको ध्यान से। तो माइक के पॉजिटिव पे मैं रेड वायर लगा रहा हूँ, और जो इसका नेगेटिव वाला साइड है उस पे मैं येलो वायर लगा रहा हूँ।
माइक की जो माइनस वाली साइड है उसे मैंने ग्राउंड पे, और जहाँ जो इसकी पॉजिटिव वाली साइड है उसे मैंने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जहाँ पे हमने एक साथ सोल्ड किया है वहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो आपको पता है ये जो कैन होता है वो हमारा मेटल का होता है, तो ये करंट शॉर्ट हो सकता है हमारा सर्किट इसमें, तो मैं इसमें इंसुलेशन लगा रहा हूँ। आप इसमें स्लीव का भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें यही यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहे। तो इसी के साथ हमारा जो सर्किट है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे कैन को बंद कर लूँगा। अगर आप बंद नहीं हो पा रहा हो तो आप साइड पे कट लगा के उसे बंद कर सकते हैं। आप बंद करने के बाद मैं इस पे टेप लगा दूँगा, बट पता नहीं क्यों ये माइक वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें बाद में एक ऑक्स भी लगा दी थी। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका वर्क करता है तो आप देख लीजिए, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मेरे में तो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप देख लीजिए, इसका मैंने टेस्टिंग की थी तो आप देख लीजिए खुद ही। तो यार माइक के साथ मैंने सब कुछ करके देख लिया बट ये वर्क ढंग से नहीं कर रहा, तो मैंने इसमें एक ऑक्स लगा दिए। आप टेंशन मत लो, आपका जो मैंने सर्किट डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे मैंने ऑक्स का भी डायग्राम दिया हुआ है। तो अब माइक को अच्छा सा एक स्टैंड बना देते हैं, पर वर्क तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, अब स्टैंड तो बना ही लेते हैं, बना दिया है तो इतना सभी कर ही देते हैं इसके लिए। तो एक टूथपिक और एक ढक्कन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ढक्कन को आपको छेद करके आपको इसमें टूथपिक लगा लेनी है। और मैंने इस पे माइक में एक पेन का जो कैप होता है वो ओपन करके लगा लिया है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो चलिए अब इसकी ऑक्स टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसे चार्ज लगा लेते हैं क्योंकि ये चार्ज नहीं है। तो ऑक्स से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय।